क्या बोलूं, जो बोल रहा था। कहते हैं मोहब्बत एक अच्छी ख्वाहिश चीज है, कहते हैं कि मोहब्बत एक अच्छी सी ख्वाहिश चीज है, तुम ऐसे ना वीडियो बनाया करो कि हम कहीं जाया ना करें। तो ही सुना दे बेटा जी, मेरा छोटा भतीजा बेचारा प्यार में पड़ गया है तो शायर बन रहा है, अच्छी शायरी नहीं कर पा रहा है, टूटी फूटी बोल रहा है, पर अच्छा लग रहा है सुन के। चलो बैठो बैठो बैठो, बाहर का ऐसे धक्का मार रहा है, गर्मी गर्मी है, गर्म है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर, गाड़ी में सभी लोग भर गए हैं, इतने सारे लोग हो गए हैं गाड़ी में, जगह नहीं है। मैं, दो बुआ, रीता, गुड़िया, पप्पा, पप्पा को हर जगह जाना है साथ में, हम लोग जहाँ भी जाएंगे ना पप्पा को साथ में जाना ही जाना है। पप्पा को घूमना बहुत पसंद है, एक जगह रुकना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलते हैं ना, पैर, मम्मी बोलती है उनके पैरों में चक्री है, चक्री घूमते रहते हैं बस। अभी हम लोग बुआ के घर के रास्ते में हैं, पापा हर जगह बताए जा रहे, गाइड बने हुए हमारे, ये यहाँ का है, वो वहाँ का है, इसीलिए साथ में आए हैं शायद बताने के लिए। हेलो गाइस, हाय गाइस, गाइस हम लोग आ गए हैं हमारी बुआ के घर पे। हेलो गाइस, हेलो, भाभी है हम लोग का पैर धो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है, ये मेरी दीदी का पैर धो रही है क्योंकि वो उसकी ननंद है। ये देखिए कैसे सेवा की जा रही है नंदों की, पंखे बेने होके जा रहे हैं, दो जन बेना होक रहे हैं। तो अभी हम लोग बुआ के घर पे पहुंच गए हैं और ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि कोई भी मेहमान जब घर पे आते हैं तो उनका पैर धोया जाता है थाली में पानी लेके। तो और कहीं तो इतना मैंने नहीं देखा है, पर बुआ के घर पे जरूर होता है क्योंकि 28 साल पहले जब मैं आई थी तब मेरी भाभी बहुत छोटी सी थी, 13-14 साल की थी तब इनकी शादी हुई थी, तो तभी भी इन्होंने वही किया था और आज भी कर रही है। और भाभी से मिलके एकदम खुश हो गई मैं, भाभी भी इतनी खुश हो गई, भाभी की आंखों में आंसू आ गए, फिर बहुत सारी बातें सब याद करने लगे, कैसे आए थे, क्या हुआ था। जब मैं आई थी 28 साल पहले तो सिर्फ भाभी थी और इनके दो देवर थे, मतलब हमारे दो तीन भाई थे और ज़्यादा कोई था नहीं, बुआ थी, बाबा थे, बुआ जी की ससुर जी, और इतने लोग नहीं थे। लेकिन अब जब मैं आई हूँ तो इतना बड़ा कुनबा बन चुका है, 8-10 भतीजियाँ हैं, पता नहीं मैंने काउंट तो नहीं किया, ऐसे ही बता दे रही हूँ, 4-5 भतीजे हैं, दो भाभियाँ हो चुकी हैं, भाभी की बहू भी हो चुकी है, एक तरफ से रिश्ते में हमारी बहन भी है। पर भाभी से मिलके, सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर भाभी ने मैगी बनाया हमारे लिए, लेकिन मुझे मैगी पसंद नहीं है, फिर भी भतीजे लोग ने बोला कि चलो बुआ आप खाओ, आपका रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो में पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार अटकता रहता है। तो अभी हम लोग आए हैं बुआ के घर पे और 28 साल बाद मिली हूँ मैं अपनी भाभी से। जब भाभी आई, मैं आई तो छोटी सी थी और भाभी अभी भी छोटी है, बस थोड़ी सी उम्र बढ़ गई ऐसा लग रहा है। और मेरी भी हालत क्या हो गई है, भाभी इतनी नादान थी ना, मुझे जाने नहीं दे रही थी, मुझे बोलती ट्रेन में जाओगी, खाना कैसे खाओगी, कहीं खो जाओगी, बहुत परेशान थी भाभी। ईरान का भाभी हूँ मैं, भाई सुनर है, भाई नाते सब देखा ला जा सबके, बम्बई के मार भाभी है हम। भाभी कुछ बोलो, का बोलो, कुछ भी हमारे बोले ढंग ना है, का बोली बताओ, बोलो कैसे 8-7 साल बाद मिले, कैसा लग रहा मुझसे मिलके, कैसा लग रहा? अच्छा लगता है मुझे तुमसे मिलके, याद आ रहा है ननद आई है इतना दिन के बाद, याद आ रहा है कुछ क्या ना, भाभी एकदम बच्ची थी, भाभी का बचपना मुझे याद आ रहा है, सिर्फ मुझे भाभी का बचपना ही दिख रहा है। क्या करें, हमारा ननद इतने दिन के बाद आई है, इतने दिन के बाद मिलन हुआ था, याद बहुत आया था, बस क्या करूँ, मिल नहीं, मिलने के लिए 28 साल लगते हैं, 28 साल लगते हैं, आपकी तो मिलनी है, आप तो आओगी ना, आओगी, अब आना, अब आना जरूर,
बच्चे बड़े बड़े हो गए तब भाभी को एक भी बच्चे नहीं थे, अभी दिखाते हो आप लोगों को भाभी को कितने सारे बच्चे हो गए हैं, सब बहू हो गई है, बच्चे बहू सब हो गए। ये है भाभी की बेटी। तो गाइस ये है भाभी का छोटा नहीं बुआ के सबसे छोटे बेटे का बेटा है ना, कुणाल है ना। अरे देख तो सही, कब से हाय गाइस हेलो गाइस कर रहा था, अब तो कुछ बोल नहीं रहा है। लाइक फॉलो एंड कमेंट ओके और सब्सक्राइब यस। और ये है घर भाभी बुआ का, भाभी का भी यस। पानी चला। हाय गाइस मेरा नाम है रिया। हां ये भी भाभी की बेटी है और ये भी भाभी की बेटी है। मेरी बुआ का चैनल सब्सक्राइब करें। हां चलो। अरे ये बहू बुआ की खुशबू, ये मेरी बहन भी लगती है। और ये है क्या नाम है इसका, उजाला। उजाला ये है छोटे बहू बेटे का घर और ये छोटी बुआ यहाँ सोई हुई है। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय। रीता यहाँ पे बात कर रही है और बुआ मेरी यहाँ पे गुंडी बुआ यहाँ पे पसरी हुई है। अच्छा लग रहा है, बुआ का गांव भी बहुत अच्छा है। हाय हाय गाइस, ये आम के पेड़ में आम लगा हुआ है, दो आम लटक रहा है, देख उधर भी लटक रहा है। हाँ वहाँ पर भी आप नहीं आ रही है ना, इधर गाइस। और बुआ का घर बहुत ही प्यारा है, 28 साल बाद मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। घर से भी मिली हूँ, भाभी से भी मिली हूँ, सबसे बुआ से भी 28 साल बाद मिली हूँ, छोटी बुआ से तो मिल चुकी हूँ पहले, लेकिन बड़ी बुआ से 28 साल बाद मिली। Hi guys. और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी पे नहाने के लिए, नदी के तरफ हम लोग भी डांस भी करेंगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रफ्तार के। माँ कसम गुड़िया बुआ का एकदम रापचिक आ रहा है। बुआ जी आप रोक दें, बुआ जी अभी बनाएंगे, आप रोक दे, बनाते बनाते चले तो फ्रंट कैमरा। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, तेरा हाय गाइस बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी सभी लोग मिल के इतने खुश है एक दूसरे से मिल के, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग नदी पे भी नहाने जा रहे हैं, बच्चे लोग भी बहुत खुश है, वीडियो बना रहे हैं, मेरा हाय गाइस बहुत ट्रेंड में चल रहा है गुड़िया ने जैसे बताया। तो अभी ये व्लॉग भी बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको भी 2-3 पार्ट में बना दूंगी, आप लोग देखना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।